हेलो, मैं डॉक्टर अभिनय सिंह, नोवा IVF देहरादून सेंटर से। आज इस वीडियो में हम IUI या फिर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के बारे में जानकारी देंगे। उसके सक्सेस रेट्स के क्या होते हैं, उसके फेलियर के चांसेस क्या होते हैं, इन जनरल प्रोसेस क्या है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए जब एग ओविलेशन के बाद फेलोपियन ट्यूब में आता है, तो उस तक स्पर्म को खुद मोटिलिटी के जरिए चल के वहाँ तक पहुँचना होता है। हम IUI के प्रोसेस में पीरियड्स के सेकेंड या थर्ड डे से कुछ 5 या 6 दिन की मेडिसिन पहले पेशेंट को देते हैं। उसके बाद मैक्सिमम 1 या 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम लोग एग की मैच्योरिटी का रेट देखते हैं, किस रेट से एग मैच्योर हो रहा है। जब एग 20 से 22 mm के आसपास साइज का हो जाता है, तो उसे ओवुलेशन के लिए हम लोग एक टाइम ट्रिगर देते हैं। इस ट्रिगर इंजेक्शन के 36 से 48 घंटे बाद IUI का प्रोसेस प्लान किया जाता है। IUI के प्रोसेस जिस दिन प्लान किया जाएगा, उस दिन आपके पार्टनर का, हस्बैंड का सीमन सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, उसे लैब में प्रोसेस किया जाता है। लैब में प्रोसेस करने के बाद जो अच्छे मोटाइल मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म होते हैं, उन्हें 0.5 ml कॉन्सेंट्रेटेड सीमन सैंपल में कन्वर्ट किया जाता है, और ये सैंपल फिर आपके यूट्रस में अल्ट्रासाउंड के जरिए रिलीज किया जाता है। ये प्रोसेस आपको अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर आपके इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट दिखा भी सकते हैं। IUI के प्रोसेस की सक्सेस रेट जो है, अगर इसके बारे में बात की जाए, तो सारी चीज़ें यदि नॉर्मल होंगी तो भी IUI का सक्सेस रेट 15 से 18% के बीच में होता है। IUI के फेलियर के चांसेस जो रीजंस हैं, वो काफ़ी रीजंस हैं। जैसे एग की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो, या फिर सीमन सैंपल एडिक्वेट क्वालिटी का ना हो, या उसमें स्पर्म की काउंट काफ़ी कम हो, 15 मिलियन से कम हो, 10 मिलियन 8 मिलियन, ऐसे केसेस में IUI का सक्सेस रेट और भी कम हो जाता है। या फिर यूट्रस की जो कैविटी है वो एंडोमेट्रोसिस या फाइब्रॉइड या एडिनोमाइसिस के कारण अगर ख़राब हो चुकी है, या फिर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अप्रोप्रिएट थिकनेस की नहीं है, तो फर्टिलाइज होने के बाद भी एम्ब्रियो को चिपकने में सहायता नहीं हो पाती है, और इसके कारण भी IUI फेल हो सकता है। लेकिन ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि सारे टेस्ट, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी IUI का सक्सेस रेट 15 से 18% के ऊपर नहीं रहता है। अगर आप IUI के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं, या फिर इनफर्टिलिटी के लिए आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।